अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हरमोमन सिटी सियालकोट जनाब तुहाड़ी खिदमत लई हाज़र है। अज मैं तुहानू सियालकोट का एक तरीही मकाम विखा लगा वा जिहड़ा कि 1000 साल पुराना है, जिहदा नाम है शिवाला तेजा सिंह मंदिर। तो मैं तुहानू हुण उह दिखा लगा वा। मैं सब तों थले गली दे सीढ़ियां ते खड़ा वा ते जनाब हुण तुहानू इह तरीही मकाम मैं विखाना वा। तो जनाब वीडियो नूं जरूर लाइक करना और चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लेना। लो जी, असी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं ते बहुत ही पुरानी तरीही जगह पे है जिन्हों शिवाला मंदिर कहा जाता है। सामने तुहानू नज़र आ रहा है मंदिर। तो पहले तो यह जगह बड़ी खंडर जी सी। यह वीडियो मैं 2022 जनाब तो तरीख का मैनू अज पता नहीं, लेकिन बरोज़ हो गया जनाब बुद्ध। ऐ जनाब माशाल्लाह मैं इस जगह पर आ गया जे। तो पहले खंडर सी, हुण तो इन्होंने बड़ा प्यारा जिहा पार्क बना दिता, गार्डन वगैरह बना दिता, बहन लई जगह बना दिती है। पहले इत्थे नशेई नशूई टीके टूके नशे तमाशे करते हैं। तो पहले मैं तुहानू विजिट कराना वा ना जिहड़ा गार्डन है, क्योंकि खूबसूरती की जिहड़ी है ना वह वीडियो कैच करनी चाहिए है। ऐ जे सामने वे ऐ बहन वाली जगह है। तो हुण मैं अंदर दाखिल हो लगा वा मंदिर दे। पहले आ तारीख भी पढ़ लो कि जो भी लिखा कोई हिंदी च लिखा दा। लगता अंदरों वज्जा दा ताला, बल्कि खोल जाएगा। आ जनाब खोल गया। तो मंदिर जरा वे वह जेरे तमीर है। नज़र तुहानू आ रहा लिखिया दा शिवाला तेजा सिंह। मेरे ख्याल दे नाल मंदिर की जरा ना तैयारी चल रही है, तैयार हो रहा मंदिर जरा। इत्थे हिंदू जड़े ने वो इबादत करते ने विच जी। मैं सुनिया ही कि जनाब इत्थे एनजी ही खंडर ते बंद कर छड़िया दा ही, लेकिन साढ़े कायद आजम ने पाकिस्तान आज़ाद जड़ा वे वो इसलिए नहीं कराया कि निरे मुसलमाना वास्ते हर पाकिस्तानी है। पाकिस्तान दे विच जनाब सिख भी ने, हिंदू भी ने, ईसाई भी ने। ते हर किसी नूं अपनी अपनी इबादत करन दा जड़ा वे अपनी अपनी इबादत करन, किसी नूं कोई भी रोकथाम नहीं। ठीक है, हर किसी दा एक अपना सिस्टम है, अपना अलग अलग तरीका है। हिंदुआं दा अलग तरीका है इबादत दा, ईसाइयां दा अलग है, साडा मुसलमानां दा अलग है, ते सिख बरादरी दा अलग है। लोहां दा थोड़ा जिहा एंटर होइए। ए तुसीं देख रहे हो कि उन्हां दा की है टल, ए भी लगी हुई है। पर अंदर जिहड़ा वे ताला वज्जा दा। सज दी चाबी तुहाडे कोल ते नहीं? लो जनाब, लो जी तमीर हो रहा है। उत्ते जिहड़े ने ना मजदूर भाई लगे दे ने। एरा दूसरा दरवाजा है। परिंदियां दी आवाज़ां भी आ रही ने ते खूबसूरत गार्डन भी नज़र आ रहा। मैं हर पासों जरा ना थोड़ा थोड़ा तुहानू चैक कराना वा। अजे के जेरे तमीर है, लेकिन जो तैयार होएगा फिर और मजीद देखने वाला होएगा।
ਤੇ ਉਹੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰਾ। ਆ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਆ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਐਵੇਂ ਰੋਡ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਚੂਨਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ। ਓਹੋ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਤਰੀਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਛੱਡਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਓ, ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਆਓ ਜਨਾਬ, ਉੱਥੋਂ ਰੰਗਪੁਰਾ ਚੌਂਕ, ਰੰਗਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਟੱਪਣਾ ਗਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮਹੱਲਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਢਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜ਼ੇਰੇ ਤਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੀਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਰੀਹੇ ਮਕਾਮ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰੇ ਤਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਖੰਡਰ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।